जो है पहुंच गई है। तो ये कौन सी मछली है भाई? अच्छा ये काला पापड़ है, ये फिंगर है, बेसन वाली फिंगर है। अच्छा ये जो लॉकडाउन में अभी जो टाइमिंग हुई उससे आपके कारोबार में कितना फर्क हुआ है? सर जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तो दो दिन में जमीन आसमान का फर्क हो गया? सर दो दिन में हो गया, यही काम का टाइम है, इसी में बंद करके जाना पड़ा। तो 10 बजे तक तो आप लोग रहते हो ना? सर 10 बजे तक होते हैं, 6 बजे हमारा खोलने का टाइम है, अभी 10 बजे हम बंद कर देंगे, क्या करेंगे हम। अच्छा तो लोगों को भी तो नहीं, कोरोना भी तो आप देखे ना, इसमें थोड़ा सा एहतियात जरूरी है। तो है ही अपनी जगह, मगर अभी थोड़ा सा तो रिलीफ मिले ना हमको भी। अच्छा तो भाई ये नाखुश हैं हुकूमत की पॉलिसी से, क्योंकि इनका भी यही कहना है कि पूरे पाकिस्तान में 3 शहरों में इस तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया, यहाँ से हुकूमत सिंध ने ही जो है यहाँ पे कराची के शहरियों को कारोबारी को परेशान करने की ये एक वजह है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज आरिफ जी पहुँच गए हैं बंस रोड, और बंस रोड में लॉकडाउन का आज है दूसरा दिन। तो यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनके क्या मामलात हैं, और वो आवाम को अपनी सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनडोर जो है तकरीबन सिटिंग जो है 6 बजे के बाद से बंद है, तो रात में ही ये जगमगाता था और रात में काफ़ी लोगों का यहाँ पे रश होता था। तो आज देखते हैं इन्होंने लोगों के लिए क्या इंतजाम किए। 6 बजे बंद होगा तो भाई हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हुकूमत की सोच नहीं है, हुकूमत सिर्फ बातें करती है। आप कम से कम हमारी टाइमिंग 10 बजे तक बढ़ाएं ताकि हम अपने घर का चूल्हा जला सकें, वरना हम लेबर को फारिग करने में भाई जिन बड़ी मजबूरी होगी, वो सारी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, समझ रहे हो। जो है ना बदतमीज़ ये हुकूमत बढ़ाती जा रही है, एक गरीब बंदे का जो ना एक वक्त की रोटी जो है ना वो कमाना मुश्किल हो गया है। और आए दिन आप ये देखें जो लॉकडाउन में इन्होंने पिछले उसमें भी स्पेल में भी इन्होंने बहुत लोगों की जो है ना कुव्वतें खरीद गिर गई, और लोग जो है ना फाकों में मजबूर हो गए, और तालीमी इदारे जो बंद हुए हैं उसके नतीजे में बहुत से लोगों ने वालदैन ने अपने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से उठा लिए हैं। तो ये सब जो है माशी बदहाली जो भी है ये हुकूमत के सर है। हम ताजिर आज़ाद जो है हुकूमत से मुतालबा करते हैं कम से कम आप जो है इसकी टाइमिंग अगर आप 6 से 8 भी कर दें ये भी इनकी बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि हम कुछ तो अपने लोगों के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सकें, वरना इसी तरह रुलती रहेगी आवाम। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं, ये फ्रेस्को चौक कहलाता है, और ये बंस रोड का जो है बिल्कुल सेंटर कहलाता है, क्योंकि सामने ही ये जामा क्लाद के लिए रोड जा रहा है, और बड़े बड़े यहाँ पे जो है फूड कॉर्नर्स बने हुए हैं। रात में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, अभी तो ट्रैफिक का बहुत अजदाम हो गया है, क्योंकि एक साथ सब लोग कारोबार बंद करके निकले हैं, तो इससे ट्रैफिक जो है ना बहुत ज़्यादा जैम हो गया, और सिटिंग भी अब जो है लोगों ने जो है वो बाहर की हुई है, इंडोर तो बिल्कुल ही यहाँ पे तकरीबन बंद हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब तकरीबन जो है ना हर रेस्टोरेंट के बाहर ओपन एयर जो है वो सिस्टम हो गया है, और इन्होंने इसी तरह से सिटिंग की हुई है, और ये कराची हलीम पे और कराची बिरयानी पे सज्जी का सीन फुल ऑन है भाई। सज्जी देख रहे हैं ना आप, सर्दियों में तो ज़बरदस्त सज्जी। ये आप देखें तकरीबन इन्होंने जो है सारा सेटअप जो है ना बाहर लगाया हुआ है, इसीलिए कि शाम 6 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे तक जो है आप आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन बैठना आपको जो है ना सारा बाहर पड़ेगा। तो ये सेटअप सारा लगा हुआ है, लोग आहिस्ता आहिस्ता रात 8 बजे तक जो है ना यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है, उसके बाद से फैमिलीज़ वगैरह के लिए इंतज़ाम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ आप देख सकते हैं। और ज़ाहिर बात है लॉकडाउन की जो हुकूमती पॉलिसी है वो इन्होंने फॉलो करनी है, इसीलिए उन्होंने तमाम चेयर्स वगैरह टेबल बाहर लगा दी हैं, और आप ये देख सकते हैं लोग तैयार हैं कि इनके कस्टमर जिस वक्त आएंगे उनके लिए पूरा सेटअप तैयार है। तो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, ये खाने के बंस रोड जो है कराची का दिल समझा जाता है खानों के हिसाब से, यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं तशरीफ़ लेके आते हैं। ये वहीद के कबाब हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्दियों के अंदर जो ये धुएँ नज़र आ रहे हैं ये इन लोग तो गाइस आप देख सकते हैं लोग जो है ठंडे मौसम में बाहर जो है ये ओपन एयर में बैठ के कैसे लुफ्तानंदोज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ खानों के साथ। तो कराची की आवाम इंजॉय कर रही है, और ठंड भी जो है बढ़ चुकी है, और ज़बरदस्त लोग जो है ना फुल सीन ऑन है भाई यहाँ पे बंस रोड पर, तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा वो सामने देखो लोग पी रहे हैं सर्दी। अच्छा लोग सर्दियों में पीते हैं, और अभी ये लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसमें आपके कारोबार में कुछ
क्या परेशानी, फर्क आया? फर्क तो आया मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बंस रोड पे कोई ऐसा इशू नहीं होता, लोग रात भर आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप भी जो है 10 बजे तक बैठते हो, कब तक बैठते हो? 10 बजे तक। देखा, हुकूमती SOPs पे और हुकूमती कानून पे जो है ना आपने अमल दरामद करके ही कारोबार किया जा सकता है। तो लोन हुआ है उससे आपके कारोबार में कोई फर्क आया है? अभी तो खैर 2 ही दिन हुए जबकि। जी बिल्कुल, बहुत फर्क आया है। क्या फर्क आया? सन्नाटा हो जाता, बहुत जल्दी वो पुलिस वाले आके बंद करवा देते हैं। 30% का तकरीबन कारोबार के अंदर फर्क आया है, क्योंकि खाने पीने का काम है और रात को ये चलता है। अच्छा, वैसे जब लॉकडाउन नहीं था तो आप लोग कब तक रात में बैठे रहते थे? रात को 2-3 बजे तक हम लोग बैठे रहते थे, बाकी फूड स्ट्रीट ये जो है पूरी रात तक खुली रहती थी। खाना अच्छा। पीने का आइटम यहाँ पे 5 बजे तक मिलता था। सही है। तो वैसे कोरोना की जो लहर आई है, लोगों को थोड़ा सा एहतियात तो करनी चाहिए। जी बिल्कुल, एहतियात करनी चाहिए कोरोना की। ठीक है। तो और आपकी ये प्लेट एक कितने की होती है? हमारी ये एक प्लेट होती है 80 रुपए की। 80 रुपए की होती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हीर हो गए। मुख्तलिफ मेवाजात आपको इस ठेले पे नज़र आ रहे होंगे। किशमिश है, अखरोट है, और ये पिस्ता है। और कारोबार नहीं है ना? कारोबार नहीं है। कितना ज़्यादा माल, 1,00,000 रुपये से ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। कारोबार बिल्कुल। लेकिन 10 बजे तक जो 10 बजे तक की तो टाइमिंग है। लॉकडाउन लग गया, फिर देख लो, समझो 15-20 हज़ार सेल था, अभी 2,000-3,000 में सेल हुआ। चलो अल्लाह आपके कारोबार में बेहतरी अदा करे। तो गाइज, अब व्लॉग ख़त्म करने का जो है वो वक्त आ चुका है। और कोरोना की जो सेकंड जो लहर है वो बहुत ख़तरनाक है। हम सबको एहतियात करनी है, खुसन मास्क का इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और इसके साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इसके साथ ही वही एक नारा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।